सुप्रभात बच्चों, ये हमारा हिंदी का पीरियड और हम पढ़ रहे हैं पाठ आठ कृष्ण सुदामा। हमने पाठ की कहानी जानी और उसकी शब्दार्थ लिख लिए हैं। अब हम करेंगे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न उत्तर पे आएंगे, पेज नंबर 51। सोचिए और बताइए, सुदामा की पत्नी ने सुदामा से क्या कहा। सुदामा की पत्नी ने सुदामा से क्या कहा कि वो आपके इतने अच्छे मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वह आपकी मदद जरूर करेंगे। कृष्ण ने सुदामा से मिलने पर कैसा व्यवहार किया। कृष्ण जैसे ही द्वारपाल ने जाकर उनको सूचना दी, वह दौड़े दौड़े आए और उनको गले से लगा लिया और परात में पानी भरकर उनके पैर धोए। बहुत ही मित्रवत, बहुत ही अच्छा व्यवहार उन्होंने सुदामा के साथ किया। अब आइए हम लिखित प्रश्नोत्तर पर। पाठ को ध्यान से पढ़कर खाली जगह भरिए। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते हैं। प्रश्न एक, आश्रम एक ही आश्रम में पढ़ते हैं। सुदामा चावलों की पोटली देने में कर रहे थे, क्या कर रहे थे, संकोच कर। फिर है प्रश्न दो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। कृष्ण कहाँ के राजा थे, द्वारका के। सुदामा कृष्ण के लिए क्या उपहार दे गए, क्या उपहार लेकर सुदामा कृष्ण के लिए, भुने चावल। फिर प्रश्न उत्तर हम बाद में करेंगे। अब हम आएंगे भाषा ज्ञान पर, पेज नंबर 52। सर्वनाम, सही मात्रा का प्रयोग और विलोम शब्द। जो शब्द संज्ञा की जगह पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, यह, तुम, जैसे हमने प्रोनाउन पढ़े थे इंग्लिश में, वही हिंदी में सर्वनाम है। ही, शी, दे, वी, यू। तो यहाँ मैं, वह, यह, तुम, आप हिंदी में ये सर्वनाम है जो संज्ञा के नाउन की प्लेस पर, जगह पर आते हैं। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाकर लिखिए। कृष्ण आपकी मदद जरूर करेंगे। तो भाषा ज्ञान जो है उसमें बारे में होगा आपकी, इस पर गोला बनाना है। ख वाले में होगा उनका जीवन गरीबी से भरा था, उनका, उनका नाम सर्वनाम शब्द है। उन्होंने सुदामा के पैर धोए, उन्होंने यहां सर्वनाम शब्द है। मैं पत्नी से क्या कहूंगा, मैं, सुदामा अपने घर पहुंच गए, अपने, तो ये यहां इनमें गोले भी बनाने हैं आपको और यहां पर लिखना भी है, ठीक है। सही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, तो सही मात्रा लगाकर शब्द तो आपको बनाना है। प्रश्न नंबर दो आप स्वयं करेंगे। अब है विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। तो बच्चों ये है विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर तीन, यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें मिलाना है। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। अंतर, पक्के, गरीबी, मित्र। अब यहाँ इधर है बच्चे, अमीरी, शत्रु, बाहर। तो अंदर का विलोम शब्द उल्टा अर्थ बताएगा बाहर, पक्के का उल्टा अर्थ होगा कच्चे, गरीबी का अमीरी, मित्र का शत्रु। तो ये कार्य आप अभी किताब में करिए। प्रश्न नंबर एक मैंने करवा दिया आपको, सर्वनाम शब्द पर गोला किताब में ही करना है। प्रश्न दो आपका सही मात्रा है आपको लगानी है। प्रश्न नंबर दो आपका गृह कार्य है
और प्रश्न नंबर 3 विलोम शब्दों का मिलान कीजिए, ये बुक में ही मिलान कीजिए, प्रश्न उत्तर करने के बाद अपन कॉपी में करेंगे। फिर ये सुनिए और बताइए, हम कहानी भी सुनेंगे।